सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के जबरदाहा निवासी चंद्रिका देवी ने लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी के विरुद्ध एक लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक के आवास पहुंचकर प्रेषित किया है, जिसमें मुख्य आरोपी हैं पीड़िता चंद्रिका देवी। अपने जमीन खेत अपने पति के साथ पैतृक घर तालझाड़ी गए थे एवं उनके लौटते समय 5:30 बजे दिनांक 18/6/21 को एक साजिश के तहत पीड़िता को एवं इनके पति राजकुमार शाह को गलत नियत से एवं जान से मारने की नियत से लाठी डंडा लोहा का रॉड लेकर इनके देवर अजय शाह एवं बेबी देवी इनके साला मनोज मंडल दुलाल मंडल बुरी तरह मार पीट कर जख्मी कर इनके पति के पॉकेट से 5,000 रुपया छीना झपटी कर लिए। पीड़िता की शिकायत को पैरवी और पैसे के द्वारा दबा दिया जा रहा था और इनके शिकायत को बार बार लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी द्वारा बदला जा रहा था, जो पीड़िता की शिकायत में अंकित है। पीड़िता ने इस मामले पर आरोपी के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। आपका नाम क्या है? चंद्रिका देवी। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारा साथ घटना हुआ था मारपीट छिनताई का, तो हम थाना गए थे। थाना जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारा बार बार एप्लीकेशन बदला जा रहा है। हम अभी आए हैं एसपी साहब के यहाँ। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? लिट्टीपाड़ा थाना। अच्छा, तो थाना प्रभारी से बात हुई थी आपकी? हाँ। क्या कहा थाना प्रभारी? बोलता है क्या कि अभी बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो हम बोले नहीं कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। तो अभी बोल रहा है क्या कि एप्लीकेशन बदलो, बार बार हम एप्लीकेशन बदलते रहेंगे। तो अभी कहाँ शिकायत दी आप? अभी एसपी साहब के यहाँ पकड़। भेंट हुई साहब से? साहब से भेंट नहीं हुआ, रिसीविंग दिया है हमको। पाकुड़ से अमित कुमार दास की रिपोर्ट।